हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ई लर्निंग प्रोग्राम एसएस पॉइंट। मैं आशुतोष त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस, मतलब आगे की क्लासेस। ठीक है, तो आज स्टार्ट होने वाली क्लास टेंथ सीबीएसई बोर्ड की मैथ्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट किया था। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में हम लोगों का चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट किया था और हम लोगों ने उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक देखे थे। ठीक है, चीज़ों को हमने सीखना स्टार्ट किया था कि लाइन की जो इक्वेशन है हमारे पास ax प्लस by प्लस c के फॉर्म की होती हैं। अगर दो लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, क्या दो लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1=0, a2x प्लस b2y प्लस c2=0। ठीक है, फिर हम लोगों ने इनको कंपेयर किया था और कंपेयर करने के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कंपेयर किया था और हमने बताया था कि a1/a2 = b1/b2 की कंडीशन में क्या होती है। ठीक है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2। ठीक है, a1/a2 = b1/b2 does not = c1/c2। इसका मैंने ग्राफ के लिए रिप्रेजेंटेशन बताया था। ग्राफ पे मैंने ये बताया था कि ऐसी कंडीशन में इंटरसेक्ट करती हैं लाइनें, क्या करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, है ना, और ऐसी कंडीशंस में क्या होती हैं, कॉन्सिडेंट लाइन होती है। ठीक है, कंसाइड कर जाती हैं लाइनें और ऐसी कंडीशंस में क्या होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं, है ना। और फिर ये तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था कि ग्राफ पर कैसी चीज़ें बन सकती हैं ऐसी कंडीशंस में इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ग्राफ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। कंसाइड लाइन ऐसी कंडीशंस में हो जाती है कि एक के ऊपर एक लाइनें हो जाती हैं। ठीक है, और ऐसी कंडीशंस में पैरेलल लाइन हो जाती थी, पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, फिर उनका हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में देखा था सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता था, ऐसे सिचुएशन में होता था ओनली वन सॉल्यूशन, जिसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशंस भी बोलते थे, है ना, यूनिक सॉल्यूशंस। और ऐसी कंडीशंस में होता था मैनी सॉल्यूशंस, है ना, और ऐसी कंडीशंस में होता था नो सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें बात की थी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट ऐसी जगहों पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ उनके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आती है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है, इस वजह से ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, क्या होंगे, कंसिस्टेंट कहलाते थे। और जिनकी वैल्यू नहीं निकलती थी वो क्या होते थे, इनकंसिस्टेंट होते थे, है ना। इतनी बातें तो क्लियर होंगी भाई। ठीक है, ये हमारा ग्राफ, ये कंपेयरिंग है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और ये हमारा ये बताता है कि किस तरह से चीज़ों के सॉल्यूशंस निकलते हैं या नहीं निकलते। जिनके सॉल्यूशंस निकलते हैं दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ठीक है, और जिनके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें, ये सारी बातें आप लोगों ने सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने किया था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखे थे उसमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं और एक्सरसाइज 3.2 पर ही क्वेश्चन नंबर 4 से वहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें भाई आप लोगों को पता है। ठीक है, चलो तो क्या है चीज़ें, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 3.2, क्या 3.2, और क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, अगर वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो हमें ग्राफिकली सॉल्यूशंस बता रहा था। ग्राफिकली सॉल्यूशंस मतलब कि हम लोगों को ग्राफ पर लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी,
ठीक है, वहाँ के जो x एक्सिस के पॉइंट्स होंगे वो x की वैल्यू होगी और y एक्सिस के जो पॉइंट होंगे वो y की वैल्यू होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। तो सबसे पहले हमें करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट की सिचुएशंस में हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, कैसे, ग्राफिकली से। ठीक है, ग्राफिकली मेथड से। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, एक्स प्लस वाई इक्व टू फाइव दिया हुआ है और सेकंड इक्वेशन दे रखी है टू एक्स प्लस टू वाई इक्व टू टेन, है ना। क्या दे रखा हुआ है, टू एक्स प्लस टू वाई इक्व टू टेन, ऐसी कंडीशन दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ से ए वन की वैल्यू वन है ना, बी वन की वैल्यू वन है, और या इसे पहले चेंज कर लेते हैं किसमें, फॉर्म में चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस फाइव इक्व टू ज़ीरो, और इसे क्या कर लेंगे, 2x प्लस टू वाई माइनस टेन इक्व टू ज़ीरो। क्लियर, a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है भाई, 1 है ना, b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू माइनस फाइव है, a2 की वैल्यू जो है 2 है, b2 की वैल्यू भी 2 है और c2 की वैल्यू माइनस टेन है। क्लियर है, तो a1 वन अपॉन ए टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन टू कॉमा b1 वन अपॉन बी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज ऑल्सो 1 अपॉन टू, एंड c1 वन अपॉन सी टू की वैल्यू क्या होगी भाई, माइनस फाइव अपॉन टेन मीन्स 1 अपॉन टू। ठीक है, देन वी सी a1 वन अपॉन ए टू इक्व टू बी वन अपॉन बी टू एंड ऑल्सो इक्व टू सी वन अपॉन सी टू। इन दिस कंडीशन ए वन अपॉन ए टू इक्व टू बी वन अपॉन बी टू इक्व टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक है, ये सारे अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा भाई, कंसिस्टेंट होगा, है ना। क्या होगा, पेयर ऑफ लाइन आर कंसिस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पेयर ऑफ लाइन आर कंसिस्टेंट। क्लियर, जब ये पेयर ऑफ लाइन कंसिस्टेंट है, ठीक है, उस समय की कंडीशंस पर हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशंस देने हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशंस को उठाते हैं, क्या x प्लस वाई इक्व टू फाइव है ना, तो x इक्व टू कितना होगा, 5 माइनस वाई, y की वैल्यू पुट करते जाए x की वैल्यू मिलती जाएगी और हमें यहाँ पर थ्री पॉइंट्स निकालने हैं हर एक इक्वेशन से। क्लियर, तो लाइन की ये इक्वेशन से इसे थ्री वैल्यू थ्री पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले y इक्व टू कितना रख दें भाई, ठीक है, y इक्व टू अगर हम लोगों ने रख दिया कितना, 2, तो x इक्व टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 मीन्स 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कब, जब y इक्व टू 2 रखेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या रखेंगे, y इक्व टू अगर हम लोग 4 रख दें, y इक्व टू 4 रख दें तो x इक्व टू कितना मिलेगा, 5 माइनस 4 मीन्स 1, मतलब x इक्व टू 1, कब, जब y इक्व टू 4 रखा गया तब। ठीक है, फिर y इक्व टू अगर हम लोगों ने 3 रख दिया, क्या रख दिया, 3 रख दिया तो x इक्व टू कितना मिल जाएगा भाई, 5 माइनस 3 मीन्स 2। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके तीन पॉइंट्स हमें मिले, ठीक है, यहाँ पर जो हमें इसके तीन पॉइंट्स मिले वो हमारे क्या हो जाएंगे भाई, पहला 3,2 x 3 हो जाएगा जब y हमारा 2 रखा जाए, फिर y 4 रखने पर x हमारा कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, फिर y हमारा 3 रखने पर x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड इक्वेशंस की, बात कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, 2x प्लस 2y इक्व टू 10, क्या था, 2x प्लस 2y इक्व टू 10। यहाँ से अगर 2x इक्व टू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2y, या ओवरऑल कॉमन ले लोगे तो x इक्व टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस वाई। क्लियर है यहाँ तक की बातें, ठीक है, 5 माइनस वाई, सेम एज कंडीशंस इसी तरह फॉलो की जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही वैल्यू रख सकते हैं, y इक्व टू 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, y इक्व टू 2 रखेंगे, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में हमें पता है कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक, तो जब मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो y इक्व टू 2 रखेंगे तो x इक्व टू कितना मिल जाएगा, 5 माइनस 2 मीन्स 3। क्लियर है, फिर नेक्स्ट y इक्व टू 3 रख देते हैं, जब y इक्व टू
फोर रख लेते हैं, वाई इक्वल टू पहले कितना रखे थे टू, तो एक्स इक्वल टू थ्री, वाई इक्वल टू फोर, तो वन वाई इक्वल टू फोर ही रख लो भाई, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा फाइव माइनस फोर मीन्स वन, एक्स की वैल्यू कितनी भाई वन हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट फिर एक्स इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू हम लोग कितना रख लें थ्री रख लें, वाई इक्वल टू थ्री रख लें, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइव माइनस थ्री मीन्स टू, क्लियर है ये बातें, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यहाँ से जो थ्री पॉइंट्स मिल रहे हैं ठीक है उन्हें भी हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या जब y इक्वल टू टू पुट किया जा रहा है तो x इक्वल टू थ्री मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर y इक्वल टू फोर पुट किया जा रहा है तो x इक्वल टू वन मिल रहा है, फिर सॉरी y इक्वल टू फोर पुट किया जा रहा है तो x इक्वल टू वन मिल रहा है, फिर y इक्वल टू थ्री पुट किया जा रहा है तो x इक्वल टू टू मिल रहा है, क्लियर है। अब ऐसे सिचुएशन हमसे क्या बोला था कि अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली, ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सॉल्यूशंस बना रहे हैं। और आपको पता है ऐसी कंडीशन देख के आप ये भी कह सकते हो कि इट हैव मैनी सॉल्यूशंस, है ना, क्या इट हैव मैनी सॉल्यूशंस, इट हैव मैनी सॉल्यूशंस, इनके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, और सॉल्यूशंस होंगे भी सही भी बात है, क्योंकि अगर यहाँ से इन दोनों लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ किया, ठीक है, ड्रॉ करेंगे तो वो कंसाइड हो जाएंगी, और कंसाइड हो जाएंगी तो बहुत सारे पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो एक्स और वाई के बहुत सारे मान मिलेंगे, ठीक है। हम लोगों को ग्राफिकली सॉल्व करना कैसे आता था, हम लोगों ने दोनों के ग्राफ बनाए हुए होते थे, ठीक है, दोनों लाइंस के क्या होते थे ग्राफ ड्रॉ करते थे, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वो लाइनें एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करती थी उस पॉइंट से हम लोगों को सॉल्यूशंस मिलता था। वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर जो बिलोंग्स करता था वो एक्स की वैल्यू काउंट करते थे, वाई एक्सिस पर जो बिलोंग करता था वो वाई की वैल्यू काउंट करते थे, है ना, सेम ऐसे ही करते थे। तो सबसे पहले इसकी ग्राफ, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कितना हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इधर भी भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इधर भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये x सॉरी ये y, y डैश x x डैश, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है, माइनस फाइव माइनस सिक्स एंड माइनस सेवन, इधर भी भैया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ठीक है, क्लियर है। तो हमसे पहला कितना पूछ रहा है थ्री कॉमा टू, कितना पूछ रहे हैं थ्री कॉमा टू, ये वन है ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन ये एट ये नाइन, तो थ्री कॉमा टू की वैल्यू हमें कहाँ पर मिलेगी, एक्स एक्सिस पर थ्री वाई एक्सिस पर टू, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। फिर हमसे पूछा है वन कॉमा फोर, एक्स एक्सिस पर वन वाई एक्सिस पर फोर, ठीक है, कुछ ये हो जाएगा, ये पॉइंट मिलेगा हमें। फिर टू कॉमा थ्री, कितना भाई एक्स एक्सिस पर टू वाई एक्सिस पर थ्री, ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसी लाइन बनेगी हमारे साथ, है ना, ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी वाली ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो वो भी लाइन इसी पर ड्रॉ होगी, ठीक है, और दोनों लाइनें एक दूसरे पर ड्रॉ होंगी, ठीक है। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या है भाई, थ्री कॉमा टू, क्या है ये थ्री कॉमा टू, फिर क्या है वन कॉमा फोर, वन कॉमा फोर, ठीक है, सॉरी ये है क्या वन कॉमा फोर, और नेक्स्ट क्या है टू कॉमा थ्री, क्या है टू कॉमा थ्री, क्लियर है। अब ऐसे सिचुएशंस से, ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन को कंसाइड करती है तो हमें पता है कि वहाँ से हमें क्या मिलता है मैनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी वन कॉमा टू कॉमा थ्री, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर कॉमा थ्री कॉमा टू, इस तरह से जितने भी पॉइंट्स पर कट करते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों लाइन क्या होंगी एक दूसरे पर कंसाइड करेंगी, है ना, एक दूसरे को क्या करेंगी कंसाइड कर रही हैं दोनों लाइनें, ठीक है। तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, तो एक्स की ये वैल्यू मिल सकती है और भी मिल सकती है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट नोट कर लो भाई फटाफट, ठीक है, फिर आओ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका क्या बोल रहा है,
ठीक है, उसमें भी पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसी तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या कंसाइड करेंगी, ठीक है, या तो इंटरसेक्ट करेंगी या तो कंसाइड करेंगी, इसके अलावा पैरलर तो होंगी नहीं। अगर पैरलर हो भी गई तो फिर वहाँ से हमें नो सॉल्यूशंस मिलेंगे, कोई सॉल्यूशंस ही नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि ग्राफिकली सॉल्यूशंस हमें तभी मिलता है जब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों या कंसाइड कर रही हों, उसी सिचुएशन में हमें सॉल्यूशन मिलता है। जब कंसाइड कर रही होती है तो मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच करती नजर आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंटरसेक्ट करने की कंडीशंस आती है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता है जिसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट होती हैं और पैरेलल वाली कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो चलो भाई इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसमें हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन से हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, और इसका सेकेंड इक्वेशन से 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16 कितना, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। क्लियर है यहाँ तक के क्वेश्चन। अब भाई इनसे क्या करना है, सबसे पहले इन्हें फॉर्म में चेंज करना है, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। क्लियर, a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, b1 की वैल्यू माइनस 1 और c1 की वैल्यू माइनस 8। क्लियर है, फिर a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है माइनस 3 और c2 की वैल्यू है माइनस 16। क्लियर है, यहाँ से अगर हम लोग a1 अपॉन a2, ठीक है, फाइंड द रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 1/3, देन रेशियो ऑफ b1 b2, रेशियो ऑफ b1 b2 इज ऑल्सो 1/3, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट रेशियो अपॉन c1 c2 इक्वल्स टू -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1/2। क्लियर है, तो यहाँ की कंडीशन हमें क्या दिख रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्लियर है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसी कंडीशंस में लाइन्स क्या होती है, पैरलर होती हैं, है ना। जब लाइन पैरलर होंगी तो उनके नो सॉल्यूशंस होंगे और वो इनकंसिस्टेंट होंगी। क्लियर है ये बातें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इट हैव नो सॉल्यूशंस, ठीक है, इट हैव नो सॉल्यूशंस। और सेकंड पॉइंट इसका लिख सकते हैं दे आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इट हैव नो सॉल्यूशंस, दे आर इनकंसिस्टेंट बिकॉज, और थर्ड पॉइंट ये भी लिख सकते हैं both लाइन आर पैरलर ईच अदर, है ना। क्या क्या हो सकती है यहाँ से कंडीशंस, इट हैव नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, पहली बात। दूसरी बात, दे आर इनकंसिस्टेंट, वो इनकंसिस्टेंट होंगे क्योंकि पैरेलल लाइन है, कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, ठीक। फिर बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जिस कंडीशन में पैरेलल होती है उस कंडीशन में हमें कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक, ठीक है। तो चलो भाई ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, नोट कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखें, ये नोट हो गया भाई, जब ये नोट हो गया हो सभी लोगों का तो इसे इरेज करते हैं, फिर देखते हैं आराम से, ये बातें नोट हो गई ना भाई। चलो, यही याद रखना है कि अगर कंसिस्टेंट होगा तो ही हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं ग्राफिकल मेथड से, अदरवाइज नहीं फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं था भाई, इनकंसिस्टेंट था, मतलब कंसिस्टेंट नहीं था, तो हम लोगों को कोई सॉल्यूशंस मिलेगा ही नहीं, तो फाइंड कहाँ से करेंगे, है ना। इनकंसिस्टेंट की कंडीशंस में कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलता है, इस वजह से हम लोग फाइंड कर ही नहीं सकते और फाइंड करना भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, दिया हुआ है
टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स, कितने दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्व टू जीरो। नेक्स्ट दिया हुआ है 4x माइनस फोर वाई, 4x माइनस टू वाई माइनस फोर इक्व टू जीरो, कितना भाई 4x माइनस टू वाई प्लस फोर इक्व टू जीरो। यही क्वेश्चन से 4x माइनस टू वाई माइनस फोर माइनस फोर, क्लियर है। 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्व टू जीरो, 4x माइनस टू वाई माइनस फोर इक्व टू जीरो, क्लियर है। चलो तो अब यहाँ से हम लोग a1 की बात करेंगे। a1 इक्व टू टू, b1 इक्व टू वन और c1 इक्व टू माइनस सिक्स, क्लियर। a2 इक्व टू फोर, b2 इक्व टू माइनस टू एंड c2 इक्व टू माइनस फोर, क्लियर है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 4 मीन्स 1 अपॉन 2, क्लियर। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू माइनस 2, ठीक है, तो ये हो सकता है 1 अपॉन माइनस 2, ठीक है, क्लियर। और फिर c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 6 अपॉन माइनस 4 मीन्स 2 3 अपॉन 2, है ना, 2 3 जे 6, 2 2 जे 4। तो यहाँ से कंडीशंस क्या मिली, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 1 अपॉन 2 है और ये माइनस 1 अपॉन 2 है, क्लियर है। क्वेश्चन यही है ना भाई, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशंस हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या बोलते हैं, पहली बात तो ये यहाँ लिखते हैं कि ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, है ना, या बोल सकते हैं इट हैव ओनली वन सॉल्यूशन, इट हैव ओनली वन सॉल्यूशन, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दे आर कंसिस्टेंट, दे आर कंसिस्टेंट, ठीक है। फिर थर्ड बात हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दे इंटरसेक्ट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा भाई, जिस कंडीशन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो कंडीशंस क्या होगी, तो इनका पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को उठाएंगे, क्या है 2x प्लस वाई, यहाँ से लिख लेते हैं क्या 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्व टू जीरो, तो y इक्व टू कितना हो जाएगा भाई 6 माइनस 2x, क्लियर है, y इक्व टू 6 माइनस 2x हो जाएगा। x की वैल्यू पुट करते जाए, x की वैल्यू कितनी रख दे, x की वैल्यू रख दे 3, है ना, x की वैल्यू रख दे कितनी 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 3, 2 जो 6 मीन्स 0, y इक्व टू 0, ठीक है, कब, जब x इक्व टू 3 पुट किए। नेक्स्ट फिर x इक्व टू हम लोग 2 पुट कर दें तो y इक्व टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 मीन्स 2, y इक्व टू कितना भाई 2, क्लियर है, कब, जब x इक्व टू 2। नेक्स्ट फिर हम लोग x इक्व टू क्या कर दें 4 पुट कर दें, कितना पुट कर दें 4, तो y इक्व टू क्या मिलेगा 6 माइनस 4 2 जाए 8, y इक्व टू कितना मिल जाएगा माइनस 2, क्लियर है, y की वैल्यू क्या हो गई माइनस 2। अब इनका जो पॉइंट्स हमें मिला है, ठीक है, इनके जो पॉइंट्स मिले हैं वो हम लोग लिख ले आराम से, x और y के पॉइंट्स, ठीक है, तो y x की वैल्यू क्या 3, तो y की वैल्यू 0, ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू 2, देन y की वैल्यू ऑल्सो 2, नेक्स्ट x की वैल्यू माइनस 2, सॉरी x की वैल्यू 4, देन y की वैल्यू माइनस 2, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड इक्वेशंस की, किसकी भाई, सेकेंड इक्वेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकेंड है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्व टू 0, पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 2 इक्व टू 0, क्लियर, तो माइनस y उधर जाएगा, माइनस y इक्व टू जाएगा 2x माइनस 2, ठीक है, ऐसी कंडीशन है y की। अब x की वैल्यू पुट करते जाते हैं ना, तो सबसे पहले x इक्व टू हम लोग 0 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 0 रख लेंगे, तो y इक्व टू कितना मिलेगा भाई माइनस 2, क्लियर है सभी लोगों को x इक्व टू 0 रखने पर। फिर नेक्स्ट x इक्व टू 1 रखते हैं,
ठीक है, x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो y इक्वल टू माइनस टू मिलेगा, x इक्वल टू अगर हम लोग वन रखते हैं ठीक है तो y इक्वल टू फिर कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्लियर है ठीक है। फिर अगर हम लोग x इक्वल टू कितना रख लें, x इक्वल टू रख लें टू रख लें, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, टू टू या फोर में से टू गए टू, y इक्वल टू कितना मिलेगा टू मिलेगा, कब जब x इक्वल टू टू रखेंगे तब, क्लियर है। तो यहाँ से जो तीन पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं ठीक है, x और y में तीन पॉइंट्स मिलेंगे ठीक है। पहला क्या है, x इक्वल टू जीरो पुट करने पर y इक्वल टू माइनस टू मिल रहा था, फिर नेक्स्ट x इक्वल टू वन पुट करने पर y इक्वल टू क्या, x इक्वल टू वन पुट करने पर y इक्वल टू क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था ठीक है। फिर x इक्वल टू टू पुट करने पर y इक्वल टू कितना मिल रहा था, टू मिल रहा था, क्लियर है। अब इनका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है, क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है। ये कितना हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, क्लियर। इधर भी भाई वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, फिर इधर भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये क्या है y, y डैश x एंड x डैश, क्लियर। ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, क्लियर। इधर भी माइनस वन माइनस वन ठीक है, फिर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन, क्लियर। ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन एंड माइनस टेन, सेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, क्लियर है। चलो अब सबसे पहले हम लोग इस वाले पॉइंट को डिनोट करेंगे थ्री कॉमा जीरो, थ्री कॉमा जीरो मीन्स दिस पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट टू कॉमा टू ठीक है, टू कॉमा टू मीन्स दिस पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, फोर कॉमा माइनस टू, क्या है फोर कॉमा माइनस टू ठीक है, फोर कॉमा माइनस टू मीन्स दिस पॉइंट ठीक है। अब इस पॉइंट का यूज करके क्या करेंगे, बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना भाई, सीधी होगी थोड़ी सी आप लोग को देखनी पड़ेगी ठीक है, क्लियर है। ये लाइन ड्रॉ हो गई, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसे जीरो कॉमा माइनस टू, जीरो कॉमा माइनस टू का मतलब यही पॉइंट मिलेगा हमें ठीक है। नेक्स्ट वन कॉमा जीरो है ना, क्या वन कॉमा जीरो, एक्स एक्सिस पर वन वाई एक्सिस पर जीरो, क्लियर है। फिर टू कॉमा माइनस टू, टू कॉमा टू मतलब ये पॉइंट ठीक है। तो जब यहाँ से हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट करेगा ठीक है। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस वाले बात को भी जानना, पहले पॉइंट लिख लेते हैं थ्री कॉमा जीरो, थ्री कॉमा जीरो। नेक्स्ट क्या है, टू कॉमा टू, टू कॉमा टू, फिर नेक्स्ट क्या है, फोर कॉमा माइनस टू, क्या है भाई ये फोर कॉमा माइनस टू ठीक है। इसमें क्या है, जीरो कॉमा माइनस टू, ये है जीरो कॉमा माइनस टू, फिर नेक्स्ट क्या है, वन कॉमा जीरो, वन कॉमा जीरो मीन्स वन कॉमा जीरो, नेक्स्ट है टू कॉमा टू, ये है ठीक है। अब दोनों लाइनें ठीक है, दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट से हमने क्या बोला था, हमारे पास दिखा था कि दे हैव इंटरसेक्टिंग ईच अदर, हुआ भाई इंटरसेक्ट हुआ। फिर नेक्स्ट हमसे बोला है, हमने लिखा था दे हैव ओनली वन सॉल्यूशन, यस इट हैव ओनली वन सॉल्यूशन बिकॉज दे इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट, क्लियर है क्या बात है, इट हैव ओनली वन सॉल्यूशन, यस दिस इज ट्रू बिकॉज बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, वेयर एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू ऑल्सो टू, दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है। अब ये x बराबर 2 और y इक्वल टू 2 ही इसके सॉल्यूशंस होंगे और सिर्फ एक सॉल्यूशन हमें मिलने हैं, सिर्फ एक ही मिलेंगे। अगर यही लाइनें एक दूसरे को कंसाइड की हुई होती तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते, जैसा कि आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में देखा था। सेकंड वाले क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंट था तो कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि लाइन पैरलर है ना, वो कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशंस होगा नहीं। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी क्लियर हुई कि हमने जो लिखा था क्या हमें ग्राफ से वही सारी चीज़ें दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं। इट हैव ओनली वन सॉल्यूशंस, केवल एक सॉल्यूशन से, क्योंकि एक जगह पर कट हो रही हैं। दे आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होने की कंडीशन यही है कि उनके पास सॉल्यूशंस हैं। जिनके पास सॉल्यूशंस होता है दे आर कंसिस्टेंट, बट जिनके पास सॉल्यूशंस नहीं होता है वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। क्लियर है? ठीक है, फिर दे इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट करते हुए भी आपको दिख रहे हैं, जैसा हमने लिखा वैसा हमारा बना। क्लियर है? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, नोट कर लिए भाई। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, उसमें भी सबसे पहले ही फाइंड करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट की कंडीशंस में है तो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, अदरवाइज छोड़ देने हैं, है ना भाई? ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमें देखना है। ठीक, चलो अब हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का 4, ठीक है, 4th क्वेश्चन है। ठीक, बोल रहा है 2x-2y = 2, क्या 2x-2y = 2, ठीक है, इक्वल 2x-2y - 2 = 0। नेक्स्ट बोल रहा है 4x-4y - 5 = 0, ठीक है, 4x-4y - 5 = 0। ऐसी कंडीशंस में हमें ये चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसे कंपेयर करेंगे, तो a1 = कितना मिल जाएगा 2, b1 = कितना मिल जाएगा -2, c1 = also -2, a2 = 4, b2 - 4 एंड c2 - -5। क्लियर है ऐसी कंडीशंस? अब फाइंड रेशियो a1 a2 मीन्स 2/4 मीन्स 1/2। क्लियर, नेक्स्ट रेशियो ऑफ b1 b2 मीन्स -2/4 - 2/-4 मीन्स 1/2। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ c1 c2 मीन्स -2/5 और -5 मीन्स 2/5। इन दिस कंडीशंस वी ऑब्जर्व a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। क्लियर है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये और ये आपस में तो इक्वल है बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या बोलेंगे, दे हैव नो सॉल्यूशंस। क्यों कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा? क्यों? दे आर पैरलर ईच अदर, है ना, वो दोनों लोग एक दूसरे के पैरलर हैं। फिर अब जब पैरलर है नो सॉल्यूशन से तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होगी। क्लियर है? ठीक, इनकंसिस्टेंट होगा, पैरलर होंगे एक दूसरे के और नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है ये बातें? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने यहाँ तक की बातें देख ली। क्लियर है? नोट कर लो भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, हो गया। चलो ऐसे कंडीशन में हमें यही सारी चीज़ें देखनी रहती हैं कि वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट हमारा क्या स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरह के क्वेश्चन हैं हमारे पास। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशंस बनानी है हमें। ठीक है,
डायमेंशंस ज्ञात करनी है, मींस लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशंस दे रखी हुई है, ठीक है। क्या दे रखी हुई है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का जो आधा पेरीमीटर है, हाफ है, हुज लेंथ, सेकंड दिया हुआ हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अगर उसकी लेंथ एक्स है ना, उसकी लेंथ एक्स है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी भाई? 4 हो जाएगी, ठीक है, सॉरी 4 कम हो जाएगी। तो मान लेते हैं क्या, लेट यह छोटी सी बात है इसमें देख लेते हैं। मान लो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्या है भाई, रेक्टेंगुलर गार्डन है ए बी सी डी, ठीक है। इसकी लेंथ अगर एक्स है, क्या है, लेंथ अगर एक्स है और ब्रेथ अगर वाई है, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, इज 36 मीटर, ठीक है, उनका हाफ, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, अगर इसका हम लोगों ने हाफ निकाला तो कितना जाएगा, 2x plus y, ठीक है, और इसका हाफ कितना दिया हुआ है भाई, 36, पेरीमीटर का हाफ, ठीक है, दिया हुआ है ना पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर ये होता है 2x plus y upon 2, 36, मींस x plus y equals to दिया हुआ है कितना, 36। और एक दूसरी बातें बोल रखा हुआ है कि whose length is 4 meter more than its breadth, ठीक है, length अगर x है और width अगर y है तो कौन ज़्यादा है, length ज़्यादा है ना, कौन ज़्यादा है भाई, length ज़्यादा है, तो width को दोनों को बराबर करने के लिए width को ज़्यादा करना पड़ेगा, तो width इतनी हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x माइनस y इक्वल्स टू 4। इस तरह से कुछ दो इक्वेशंस बनेंगे, है ना, क्लियर है ये बातें। चलो जब ये बातें क्लियर हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे इसे सॉल्व करने के, लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू एक्स मीटर एंड विड्थ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू वाई मीटर। क्लियर है, इतनी बातें सभी लोगों को यही दिया हुआ है ना भाई, हाँ सही, इतनी बातें यही दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36, क्या दिया हुआ है भाई, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36, मीन्स इस रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा भाई, 2l plus b, यही होता है पेरीमीटर इक्वल्स टू, है ना। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ अगर x और y है तो कितना हो जाएगा, 2x plus y, और क्या दिया हुआ, हाफ ऑफ पेरीमीटर मीन्स 2, ये पेरीमीटर उसका हाफ मीन्स 2 इक्वल्स टू 36। ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x plus y equals to 36, है ना, x plus y equals to 36, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड चीजें दे रखी हुई हैं, ठीक है, क्या सेकंड दे रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, सेकंड क्या दे रखा हुआ है, बोल रहा है इट्स लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, x जो है वो इक्वल है y माइनस 4 के, है ना, लेंथ क्या है, ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो ब्रेथ को अगर 4 ज़्यादा कर दिया जाए, ब्रेथ को 4 ज़्यादा कर दिया जाए तो लेंथ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ये हो जाएंगे, तो इसे कहाँ बनेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, है ना, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 मीन्स सेकेंड, क्लियर है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। चलो भाई जब यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हमें, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड है, इनका क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकालते हैं और बताते हैं कि हमारा लेंथ और ब्रेथ कितना होगा, ठीक है। ठीक, तो भाई चलो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को उठाते हैं, क्या है, x plus y equals to 36 है, ठीक है।
या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस वाई। ठीक है, y की वैल्यू पुट करते जाए भाई आराम से और x की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, x की वैल्यू अगर हम लोगों ने यहाँ पर y इक्वल टू क्या पुट किया, y इक्वल टू अगर हम लोगों ने 30 पुट किया, कितना भाई 30 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 36 माइनस 30 मीन्स x इक्वल टू 6। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोगों ने y की वैल्यू यहाँ पर 35 पुट कर दी, कितनी भाई 35 पुट कर दी, या यहाँ पर अगर हम लोगों ने y की वैल्यू को 32 पुट कर दिया, है ना, तो ये सारे डिफरेंस मिलने थोड़े टफ हो जाएंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 36, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में हमें, हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना भाई, ठीक है चलो, ठीक ठीक है चलो, ठीक है इसके लिए थोड़ा और अच्छे से देख ले, छोटी छोटी वैल्यू फाइंड करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या अगर हम लोगों ने y इक्वल्स टू 36 पुट कर दिया तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा 0, कब y इक्वल्स टू 36 पुट करने पर। क्लियर है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों ने y इक्वल्स टू क्या कर दिया, y इक्वल्स टू अगर हम लोगों ने पुट कर लिया कितना भाई, मान लो 30 पुट कर लिया, है ना, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 36 माइनस 30 मीन्स 6। क्लियर है, कब जब y इक्वल्स टू 30 पुट करेंगे। नेक्स्ट y इक्वल्स टू अगर हम लोगों ने पुट कर लिया कितना, y इक्वल्स टू अगर हम लोगों ने पुट कर लिया 32, तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा 36 माइनस 32 मीन्स 4, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक की बातें, ठीक है, जब इतनी बातें क्लियर हैं भाई, ठीक है इतनी बातें जब क्लियर हैं, तीन पॉइंट्स मिल गए, इनके तीनों पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है चलो, ये x है ये y है, x की वैल्यू कितनी है, ठीक है x इक्वल टू 0 मिला था कब, y इक्वल टू 36 पुट करने पर। नेक्स्ट x y की वैल्यू 30 रखने पर x की वैल्यू कितनी मिली थी 6 मिली थी, फिर x की वैल्यू 4 पुट करने पर, ठीक है y की वैल्यू कितनी मिली थी 32 मिली थी। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है भाई, जब इतनी बातें सारी क्लियर हैं, ठीक है, तब अब सेकंड वाले इक्वेशंस को उठाते हैं और उसके ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाले इक्वेशंस क्या, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 4 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 4 माइनस वाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कंडीशंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 मीन्स 2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। क्लियर, कब y इक्वल टू 2 पुट करने पर। फिर नेक्स्ट y इक्वल टू अगर हम लोगों ने 3 पुट कर दिया, है ना, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 4 माइनस 3 मीन्स 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कि y इक्वल टू अगर हम लोगों ने 0 या 4 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 4 माइनस 0 मीन्स x इक्वल टू 4 मिलेगा। ठीक है, इनके भी सॉल्यूशंस को हम लोग देख लेते हैं, ठीक इनके भी सॉल्यूशंस को देख लेते हैं, क्या y इक्वल टू 2 पुट करने पर, y इक्वल टू 2 पुट करने पर x इक्वल टू 2 मिलेगा। ठीक है, फिर y इक्वल टू 3 पुट करने पर, y इक्वल टू 3 पुट करने पर x इक्वल टू 1 मिलेगा। फिर y इक्वल्स टू 0 पुट करने पर, y इक्वल्स टू 0 पुट करने पर x इक्वल्स टू कितना मिलेगा 4 मिलेगा। क्लियर है, अब यहाँ से तीन पॉइंट इस इक्वेशंस के और यहाँ से तीन पॉइंट एक इस इक्वेशंस के, y इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू 1। ठीक है, सही है, ठीक। तो अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, ग्राफ बनाना सबको आ रहा है, क्लियर है ना, ग्राफ बनाना भाई सबको आता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स का आप यूज़ करोगे और ग्राफ ड्रॉ करोगे, जब इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगे, क्या करेंगे, कट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से हमें दिख रहा है क्या,
इस वाली कंडीशंस को उठाकर देखते हैं थोड़ा सा साइड में पहले, ठीक है। इस वाली कंडीशंस को यहां से देखेंगे तो यहां से ए वन इक्वल टू कितना मिला 1, बी वन इक्वल टू 1 और सी वन इक्वल टू 36, है ना, ये बातें यहां से मिली, ठीक है। यहां से ए वन इक्वल टू कितना मिला 1, बी वन इक्वल टू कितना मिला -1, है ना, और सी वन इक्वल टू कितना मिला -4, ठीक है। तो क्या मिल रहा है यहाँ से, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू की कंडीशन मिली है, है ना, यहाँ से मिला है ना क्या, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू क्या बी वन अपॉन बी टू। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो रहे हैं इन दोनों इक्वेशन से देखो, तो हम लोगों के पास तीन बातें क्या हो सकती है, इट हैव ओनली वन सोल्यूशन, इट हैव ओनली वन सॉल्यूशंस पहली बातें, दूसरी बातें दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, दे आर कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट, ठीक है, वो दोनों क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, क्लियर ये सारी बातें। जब ये केवल एक पॉइंट पर कट करिए, अगर इनका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं दिख रहा है अपन, ठीक है, मेरे लिए, आप लोग ग्राफ कॉपी में इसे ड्रॉ कर सकते हो आराम से, ड्रॉ करोगे, कर सकते नहीं हो, ड्रॉ करोगे 110% करोगे, और फिर जब इनकी लाइनें कुछ ड्रॉ होंगी तो इस तरह से एक दूसरे को कट करेंगे, क्योंकि हमें पता है सोल्यूशन हमारा कैसा, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक ना एक पॉइंट पर कट करेगा, जिस पॉइंट पर कट करेगा उस कोऑर्डिनेट को आप लोगे, वहाँ से एक्स की और वाई की वैल्यू बता दोगे, क्या एक्स की और वाई की वैल्यू बता दोगे, और ये बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को कहाँ पर कट करेंगे, 16 और 20 पर, अगर इसका आप ग्राफिकली सॉल्यूशंस करोगे तो ये दोनों एक दूसरे को 16, 20 पर कट करेंगे, इस पॉइंट पर कट करेंगे, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 16, 20 पर ही कट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20 हो जाएगी, मींस लेंथ हमारा कितना हो जाएगा भाई, लेंथ हमारा 16 हो जाएगा और विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी 20 मीटर की हो जाएगी, क्लियर है ये बातें, ठीक है। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे, उसके अकॉर्डिंग जब लाइन ड्रॉ होगी तो आपको दिखेगा कि 16 और 20 पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, अगर नहीं कट कर रही है तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने देखे थे, ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लासेस में फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को खूब जमकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, इसी तरह मन लगा करके पढ़ते रहो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक।